सो मैं नहीं समझता कि इतना आसान है। अब एक ही केस रह गया है, वो इद्दत का जिस दिन बरी होने जा रहे थे उस दिन ड्रामा किया, हुकूमत ने ड्रामा करवाया और खावर मानिका से एक ड्रामा करवा के, और जज ने भी बड़ी ज्यादती की, बजाय इसके कि वो फैसला सुना देता उसने मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख दिया। और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बड़ी शदीद ज्यादती है, इसलिए कि उसको चाहिए था कि वो कहे कि नहीं तुम इसका फैसला सुनाओ, और अगर कोई मुदाखलत करता है, मुखल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी जो है तादीबी कार्रवाई करो, ये करके भेजते आज वो भी ख़त्म होता। अब दूसरे जज के पास भेज दिया, वहाँ ड्रामे नए हो रहे हैं। तो इसलिए अगर इस तरीके से आपने निज़ाम अदल को जो है जेर नगी करना है, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कोई वफाक के या पाकिस्तान के जो है दोस्त हैं या पाकिस्तान के, आपको कोई फलाह और बहबूद उसकी मकसूद है, आपके दिल के नज़दीक को कोई उसका एहतराम है, क्योंकि कुफर की रियासतें चलती हैं, बेइंसाफी और जुल्म की रियासत नहीं चलती। पुलिस की बड़ी तादाद में मुझे क्या कहेंगे इसका? देखें ये माशाल्लाह रौनक आप पुलिस की वजह से हो जाती है काफ़ी, और पुलिस को जो भेजने वाले हैं उनकी भी माशाल्लाह हम समझते हैं कि इसमें बड़ी काविश है कि ये जो है पाकिस्तान में ये उजागर कर दिया है कि इंसानी हकूक की किस अंदाज से पामाली होती है, और हम अपने वज़राए आज़म का क्या सलूक करते हैं। हमने लियाकत अली ख़ान से शुरुआत की माशाल्लाह, उनको हमने जो है वो गन डाउन किया, उसके बाद हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई, फिर हमने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया, फिर हम अब इमरान खान को पाबा सलासल कर रखा है। ये पता नहीं किस तरह से हम अपना जो ये तो कहते हैं ना कि इस तरह के कायद सदियों में पैदा होते हैं। इमरान खान जैसा दयानतदार और अपराइट आदमी जो एक बहुत ही मजबूत आसाब का शख्स है, जो अब डटा हुआ है कि वो इमरान अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहेगा, और उसने जो ना तो ये डील करना है और ना ही उसने मुल्क छोड़ के जाना है। और जब से ये डील होते रही हैं तभी से गुलामी की दहलीज में कौम को जो है एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम बना के रख दिया है। और बदकिस्मती है कि मिलबस के प्रिंसिपल पर जब मिलिट्री बिजनेस में आ जाती है तो फिर वो इसी तरह के गुमाश्ते पैदा करके इंस्टीट्यूशनल कैप्चर करके हुकूमत को जो है जाली हुकूमतें बनाकर बिठाकर और उनको फिर जो है कठपुतली के तमाशे खेलती रहती है। और आज पाकिस्तान का जो हाल हो गया है वो इसी की बदौलत है कि डील कर करके एक शख्स है जो इमरान खान डटा हुआ है, और मुझे यकीन है कि इमरान अवाम को हकीकी आज़ादी दिला कर रहेगा, इसलिए कि इस तरह से जुल्म की जो है रियासतें नाइंसाफ़ी की रियासतें नहीं चल सकती हैं। कुफर की तो रियासत चलती है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं चल सकती है। आज आप देख लें जो आवाम का हाल है, जिस तरीके से सुनामी एक जो है महंगाई का मुसल्लत कर दिया गया है, बजट की हम वहाँ सेशन अभी चल रहा है, हम वहाँ उजागर कर रहे हैं कि आवाम पर किस कदर बोझ डाला जा रहा है, और ये अपने प्रोटोकॉल, इनके अलल्ले तलल्ले, इनकी गाड़ियाँ, इनकी कोठियाँ, इनके जो है पेट्रोल इनको मुफ्त है, बिजली इनके लिए मुफ्त है, इनको जो है घर मुफ्त है, इनकी गैस मुफ्त है, इनको हर मराहत मिल रही है, जबकि आवाम जो है दो वक्त की रोटी से जो है बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं, वो बेचारे हैं। और दहशतगर्दी का ये आलम है कि पाकिस्तान में कोई आदमी अपने आप को महफूज नहीं समझता है। तो ये अगर अपना काम छोड़कर, अपना काम अगर एस्टेब्लिशमेंट छोड़कर फॉर्म 47 के पीछे पड़ जाएगी, और हर ज़िले में जो है हमारे लिए 144 लगाकर हमारी जो है वो सरों पे डंडे बरसाने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करती रहेगी, तो फिर जाहिर है कि इस मुल्क में अमन भी नहीं आ सकता है, और ना ही जो है सियासी इस्तेकाम आ सकता है, और ना ही मौशी इस्तेकाम आ सकता है। तो हम तो जितनी जल्दी अल्लाह करे कि मुखलसी हो इसमें, सही माने में आवाम को आज़ादी मिले, हम यहाँ आज इसीलिए आए हैं कि इलेक्शन कमीशन से हम तकाजा करते हैं कि ये मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि सारी फसाद की जड़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये ना गुलामी में जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, ना ये फॉर्म 47 को तस्लीम करके नोटिफाई करते, ना हमारी 100 नशिस्तें जो है ये हमसे आवाम से जो है वो छीनते, और ना ही आज जो है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, इसलिए कि वो हारा हुआ है।
नवाज शरीफ हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन से, ख्वाजा आसिफ हारा हुआ है रेहाना डार से, ये सारे हारने के बावजूद बेहयाई और बेशर्मी से बैठे हुए हैं पार्लियामान में और फिर जो है हुकूमतों में भी ये जो है हुक्मरानी कर रहे हैं और इस मुल्क को इन्होंने पहले ही निचोड़ के रख दिया है। अब फिर डाका मार के इस मुल्क को जो है धरती माँ को जिस तरीके से लूटा है इन्होंने, फिर लूटने के लिए आ गए हैं और ये हमें गवारा नहीं है। हम इंशाल्लाह आवाम के हकूक की खातिर लड़ते रहेंगे और आवाम को जिस तरह खान जेल और बंद की सोबत बर्दाश्त कर रहा है, हम भी इंशाल्लाह उसी के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और हम इंशाल्लाह आवाम को उनके हकूक दिला के रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की हकमियत है आला किताब है, सिर्फ आवाम को हक के हुक्मरानी हासिल है पाकिस्तान पर और किसी को नहीं है। सरदार साहब, इतना अलकादर केस चल रहा है डियाला में, आप भी वकील रहे हैं खान साहब के इस केस में, तो इस केस में क्या इतना कुछ है उसको भी चलाया जा रहा है, उसको अब सजा भी होने जा रही है खान साहब को, तो क्या कहना? नहीं, सजा इतना आसान नहीं है। अब अदलिया के मिजाज भी जो है वो आज़ादाना काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि जो अदलिया पर इन्होंने तसल्लत करना था, जो अदलिया को इन्होंने जो है जंजीरों में पाबंद किया हुआ था, उससे अब जंजीरें आप देखें कि टूट रही हैं। सरगोधा के जज ने जो अब्बास थे दहशत गर्दी के सीनियर जज, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस को लिखा और चीफ जस्टिस साहब ने तौहीन अदालत की, उनको सारों को जो है वो नोटिस जारी किए हैं। और इसी तरह छः जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी लिखा है जिस पर सारी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और वो और खौज कर रही है। बाकी तमाम हाई कोर्ट के जजेस ने भी हमनवाई की है कि हमारे ऊपर भी जो है उसी किस्म के जो है प्रेशर्स हैं और इंसाफ के रास्ते में हमें भी जो है माने किया जा रहा है और मुखल किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो है इंशाल्लाह इसमें से चूँकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस केस में। अलकादर ट्रस्ट में तो आपने देखा कि जब मैंने ज़मानत करवाई थी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनकी ऑब्जर्वेशंस बड़ी वाजे हैं। वो 109 मिलियन पाउंड में से एक ढेला इमरान खान के अकाउंट में नहीं आया। जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसमें भी एक ढेला ना तो इमरान खान और ना ही बुशरा बीबी के कोई अकाउंट में गया है या उनको उसका मफाद हुआ है। तो ऐसे में क्या धक्के से सजाएं देंगे, तो फिर यही अशर होगा जो बाकी केसों का हुआ है। देखें जहाँ तक 5 साल बानी चेयरमैन को जेल में रखने से मामला, देखें जिस कदर मजम्मत की जाए हसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट की उतनी ही कम है। एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ऑफिसर से ऐसी स्टेटमेंट देना, मजम्मत से ज़्यादा मजम्मत करनी चाहिए, ऐसे लहजा कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एक केस सब जुड़े से इस वक्त उस पर कमेंट करना, उसने केस को भी प्रेजुडिस किया है, उसने अदलिया की तौहीन की है, उसको अदलिया को चाहिए कि उसको नोटिस इशू करे और उनको ये जवाब तलबी करे कि जब केस पेंडिंग है तो आपने किस कैपेसिटी में ये लफ्ज़ कहा है कि वो 5 साल जेल में हो। पहले भी ऐसा हुआ है, नजम सेठी साहब ने कहा था कि इन दिनों में जल्दी से इससे सज़ाएँ भी होगी और कन्विक्शनें भी होगी, और फिर वही हुआ था। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, हमने उसको सीरियसली ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली भी कंडम किया है और इवन अदरवाइज भी हमने सीरियसली कंडम। पार्लियामेंट्री लीडर नामजदगी हो रही है, आगे कुछ रिस्पांस भी मिल रहे हैं? नहीं, पार्लियामेंट्री लीडर जो है हमारे नामजदगी खान साहब ने अनाउंस कर लिया था और हम करना चाह रहे थे। पहले हमने एज ए मंशूर ये फैसला कर लिया था कि जब जब हमारे पास सीटें होंगी तो हम डिप्टी स्पीकर का अहदा सारी असम्बलियों में हम वोमेन को देंगे। इस मरतब हमने पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडरशिप है वो भी उनको दी है वोमेन को। और चेयरमैन पीएससी के हवाले से क्या पेश करते? चेयरमैन पीएससी की इंशाल्लाह ताला का वो तो अभी, क्योंकि इसका एक तरीके कार है और वो ये कि पहले जब आप सर्कुलर इशू होता है और उनके मेंबर्स बन जाते हैं तो मेंबर्स आपस में इंतखाब कर देते हैं, इंतखाब का तरीका होगा। लेकिन हमारे तरफ से ऑलरेडी शेख वकास साहब तो अपॉइंट हो चुके हैं इंशाल्लाह। देखिए सी पैक तो एक ऐसा मुआहदा, वो तो एक अलग बात है कि किस तरीके से चल रहा है और इसमें सस्तरवी है और कितनी जल्दी होनी चाहिए वगैरह। लेकिन जहाँ तक चाइना के साथ हमारा ताल्लुक़ है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक मेन फ्रेंड रहा है और जब पहले उनके बंदे कुछ मरे थे तो उसके लिए मैं और उमर अयूब साहब हम गए थे, उसमें भी गए थे, एम्बेसी में भी गए थे और एम्बेसडर साहब के साथ मुलाकात की थी। आज हम नहीं जा सके थे उसके पार्लियामान में बिज़ी होने की वजह से, मेरे पास उनकी मैसेज आया था और मैंने उनको कम्युनिकेट भी कर दिया था, उमर साहब ने भी कम्युनिकेट कर दिया था कि हमारे तरफ से रऊफ हसन साहब और अली ज़फ़र साहब वहाँ पेश होंगे, उन्होंने नुमाइंदगी की है। क्योंकि बाकी बातें तो अपनी जगह है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में हमारा इख्तलाफ तो होता रहेगा, लेकिन जहाँ तक चाइना है और पाकिस्तान का कोई भी दोस्त मुल्क का, वो जब भी आएगा हम वहाँ मौजूद होंगे। बल्कि इसके बारे में एक प्रिंसिपल स्टेंस हमने स्टेटमेंट दे दी थी पहले और ख़ान साहब ही की
परमिशन से दे दी थी। जिस वक्त सऊदी अरेबिया की डेलीगेशन आ रहा था और जिस वक्त चाइना के सदर आए, अपना ईरान के सदर आए थे, और वो हमारा यही था कि जो भी पाकिस्तान के जो नेबर में से और दोस्त ममालिक में से कोई भी आएगा और हमें इन्वाइट किया जाएगा तो हम ज़रूर अटेंड करेंगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट सामने आई है हसन इकबाल की, आपकी आपके तर्जमान ने भी उसकी वजाहत कर दी है और मुतालबा किया है चीफ जस्टिस से कि उसका